तो मॉडर्न बनारस पर हम बात कर रहे हैं और देखिए आपने देखा हर सेक्टर के लोग हमारे साथ हैं, स्वास्थ्य के जुड़े लोग और भी अभी लोग जुड़ेंगे और देखिए सरकार के मंत्री भी हैं। क्या वाकई में मॉडर्न बनारस हुआ नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी आपने सुना। दयाशंकर मिश्रा दयालु जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। गाजीपुर जन्मभूमि लेकिन बनारस कर्मभूमि रही है आपकी, यहाँ पढ़ाई लिखाई सब किया, तो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनके दौर और अब के दौर में बनारस वाकई में मॉडर्न हुआ या नहीं हुआ। सर मॉडर्न बनारस हमारे शो की थीम है, मानते हैं कि मॉडर्न बनारस हुआ या अभी आप देखते हैं कि अभी और संभावना है और इन इन बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं और आगे ये योजना है हमारे लिए। जो शहर ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, इस देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर सदियों बीत गई हैं, युग बीत गए हैं, वो रामायण काल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पंचकोसी की परिक्रमा यात्रा की साक्षी नगरी है, ये महाभारत काल में भीष्म पितामह के द्वारा काशी नरेश की पुत्रियों के अपहरण का जिक्र है, अम्बे अम्बा अम्बालिका। तो युगों से काशी है, मॉडर्न शब्द कहना काशी के लिए शायद ये उचित नहीं होगा, कारण ये कि काशी को सदियां नहीं बदल पाई, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं, अध्यात्म संस्कृति की राजधानी, इसीलिए इस देश को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं काशी। इस देश को सदैव ज्ञान का संदेश दिया, वैराग्य की भी नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है, और दुनिया का कोई शहर ऐसा होता है जिसको लोग कहते हैं फला राजा ने फला महाराजा ने बसाया, व्यक्तियों ने बसाया, ये भगवान शंकर की नगरी है। तो आदि मतलब मुझको लगता है कि युगों युगों से जो नगरी हो, माँ गंगा हो, बाबा विश्वनाथ हो, माँ अन्नपूर्णा हो, बाबा काल भैरव हो, और इस देश की न जाने कितने आध्यात्मिक लोगों की यात्राएं काशी के बगैर अधूरी थी। ज्ञान का संदेश भगवान गौतम बुद्ध को मिला गया में, लेकिन उपदेश स्थली काशी है। आदि शंकराचार्य ने इस देश को चार पीठों में, देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए जब चार पीठों की स्थापना किया, काशी उसका एक महत्वपूर्ण पीठ है। ज्ञान के लिए वो सर्वोच्च शिखर पर थे, उनके जैसे विद्वान को भी शास्त्रार्थ के लिए काशी आना पड़ा। एक मंडन मिश्र हुआ करते थे, उनके साथ शास्त्रार्थ किया उन्होंने, लोग कहते हैं पराजित हो, मैं कहता पराजित होना न होना अलग विषय है, लेकिन अपने आप को सिद्ध करने के लिए रामानंदाचार्य जी की जो परंपरा है उसकी शुरुआत काशी से है। इसके पहले तक इस देश में आध्यात्मिक रूप से एक ही जाति के लोगों को माना जाता था जैसे ब्राह्मण है तो वही गुरु बनता था। रामानंदाचार्य जी की परंपरा में कबीरदास जी, रैदास जी, ये सबकी जन्मस्थली है काशी, पीपा जी महाराज जी, मीरा, उस परंपरा की भी शुरुआत काशी से हुई। वल्लभाचार्य जी, एक भगवान कृष्ण की एक परंपरा है, उसके भी लिए काशी एक बहुत प्राचीन नगरी है। इस देश के पहले यात्री के रूप में दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से, वो महर्षि अगस्त की जन्मस्थली है काशी, अगस्त कुंडा मोहल्ला। हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, धर्म के मुझको लगता है कि पुरोधा यहाँ बैठे हैं, वो पहले यात्री थे जिन्होंने उत्तर से दक्षिण की यात्रा किया, 6000 वर्ष पुरानी बात है। मैं आयुष का मंत्री हूँ तो एक रिश्ता आपको बता दूँ कि आयुष की एक विधा है सिद्ध, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में विशेषकर दक्षिण भारत में प्रचलित है, उस सिद्धा का भी जनक मानते हैं महर्षि अगस्त को। प्राचीन युग में विद्युत का आविष्कारक, वर्तमान युग के लोग कहते हैं कि विद्युत का आविष्कार फला वैज्ञानिक ने किया, भारत अपने उस आदि पुरुष के रूप में महर्षि देवर्षि जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही, सारे वैज्ञानिक आविष्कार इनके द्वारा किए गए, उनमें मैंने कहा कि ये महर्षि अगस्त की जन्मस्थली है काशी। रविदास जी की जन्मस्थली, कबीर की जन्मस्थली, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी, वो अयोध्या में भी रहे, जन्मस्थली बांदा है, लेकिन रामचरितमानस की रचना काशी में हुई, वो चाहते तो कहीं और कर सकते थे। पंडित मदन मोहन मालवी, उनके मन में था कि वो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने काशी को चुना। प्रयागराज के रहने वाले थे, प्रयागराज में भूमि की कमी नहीं है,
लेकिन उनका जो संदेश देने का मकसद था, तो इस देश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अगर कहीं हुई तो उसके लिए उन्होंने काशी का चयन किया। मैंने कहा कि काशी ये कभी बदली नहीं, ये संतों की नगरी है, ये कोई भी यहाँ गुरुजन लोग बैठे हैं, काशी कभी परिवारी जनों की नगरी नहीं थी, ये सिर्फ साधु और संतों का, और इस देश के जितने भी हमारी 33 कोटि के हिंदू देवी देवता हैं उनके सारे प्रकार काशी में विद्यमान हैं। नव दुर्गा, नव गौरी, अष्ट भैरव, 56 विनायक, 12 ज्योतिर्लिंग, आपने जीवन में कोई आध्यात्मिक यात्रा न किया हो, 400-500 सालों से भगवान जगन्नाथ का मंदिर यहाँ है, पूरी की यात्रा यहाँ निकलती है। तुलसीदास जी के द्वारा काशी में शुरू की गई 500 सालों से इस देश में भगवान राम, ये भगवान शिव की नगरी है जी, लेकिन भगवान राम की लीलाओं का सर्वाधिक मंचन अगर संसार हिंदुस्तान में कहीं होता है वो काशी नगरी है। दयाशंकर जी, एक बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि अगर हम काशी के इतिहास की बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतिहास इसलिए बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल वो बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे में कहावत है कि ये अविचल है, अविनाशी है, त्रैलोक से न्यारी है, भगवान शिव की नगरी है। कहते हैं कि उनके त्रिशूल पर बसी है, त्रिशूल का मतलब कि जो शहर अपने स्थापना के दिन से आज तक कभी नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए लोग कहते हैं कि काशी में आके रहिए, कभी आपका जीवन भी लंबा होगा, ये शहर भूकंपों से प्रभावित है। तो काशी बदली है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के काशी के सांसद बनने के बाद विकास की एक नई इबारत। काशी का एक और सौभाग्य है कि 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की जटाओं से उलझकर जो गंगा पृथ्वी पर आई तो वो कहीं शिव से नहीं मिली, दोबारे मिलन की ये नगरी है, दोबारा काशी में गंगा और शिव का मिलन है। तो ये काशी नगरी मैंने आपसे कहा कि हजारों साल पुरानी है, 2700 साल का आपका भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ है, अभी दिवोदास काशी जो मैं आयुष का मंत्री हूँ, भगवान धन्वंतरी के मानवीय अवतार के रूप में जिनका जन्म माना जाता है वो भगवान धन्वंतरी के रूप में काशी नरेश, दिवोदास की भी नगरी कहते हैं काशी को, ये उनकी जन्मस्थली है काशी। ये भी घटना हजारों साल पुरानी है, 4000 साल का पुराना किला मिला है राजघाट पे कार्बन डेटिंग के द्वारा, 2000 साल का मंदिर है कर्मदेश्वर महादेव आपके सामने है, वो आज भी एज सच मेंटेन है। इतिहास बिखरा पड़ा है काशी में, कोई भी ऐसी धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आध्यात्मिक यात्रा, चैतन्य महाप्रभु से लेके जो हमारे लाहिड़ी महोदय हैं उनकी दर्जनों बार की यात्राएं हैं काशी की, हमारे महात्मा गांधी जी 13 बार काशी आए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में आए तो काशी विद्यापीठ की स्थापना में आए, 4 बार काशी स्वामी विवेकानंद जी आए। मेरा ये कहना है कि काशी को मॉडर्न कहना हमारे ये गुरु हमारा काशी है, बदली है, काशी में देखिए कॉरिडोर बना, काशी में क्रूज चला, काशी में मैं सड़कों का जिक्र आपसे कह रहा हूँ, काशी में जो परिवर्तन हुआ, काशी माननीय नरेंद्र मोदी जी के काशी के जब वो सांसद बनने के लिए उन्होंने काशी नगरी का चुनाव किया, उनके आने के बाद से काशी को विकास की एक नई इबारत लिखने का मौका उन्होंने दिया, और आज काशी एक बदली हुई काशी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर शहर तक की कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन 6 लेन 8 लेन की सड़कें काशी में बन रही, प्रत्येक जिले से जो कनेक्टिविटी, आपने कहा क्रूज कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर निश्चित ही उन सकरी गलियों से आज बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में लाखों लोग समाते हैं। मैंने कहा बदली हुई काशी है, एक नई काशी है। तो काशी के लोगों से उम्मीद करते हैं, एक बार ताली तो बजा दे, बिल्कुल शांत बैठे काशी के लोग, इतनी खासियत, इतना इतिहास, इतना काम हुआ, लेकिन एक ताली नहीं आती है काशी के लिए। ये बात, ये एक जोश भरा है कि जो काशी की वर्तमान पहचान में मैंने कहा, मैंने आपको ये यात्रा इसलिए बताया कि उस यात्रा के एक नए जो कह सकते हो कि यात्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने आने के बाद काशी को विकास की एक नई गंगा काशी में बही है, नए घाट बने, 84 घाट
घाटों के किनारे शायद इतनी शानदार इमारतों का कहीं भी दुनिया में कोई किसी नदी के तट पर, काशी में उनमें फिर उन्होंने नए घाट जोड़े, आज नमो घाट है काशी में। आपको मुझसे ज्यादा काशी के बारे में शायद आप मैंने कहा कि आप तो यहाँ पढ़े लिखे हैं, गली गली से वाकिफ भी हैं। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप पे आयुष मंत्रालय आपसे जुड़ा, दिव्य हुई है काशी, आयुर्वेद को लेकर आप काशी के लिए एक बात और कह दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से एक बदली हुई काशी है, दिव्य हुई है, भव्य हुई है, और दुनिया के सामने काशी की पहचान नए सिरे से मोदी जी ने स्थापित किया है। तो मुझको लगता है कि ये सारा परिवर्तन 10 सालों में ठहरी हुई थी काशी, हजारों साल में इन्हीं सकरी गलियों में, ये दुनिया की सबसे लंबी सकरी गलियां हैं, चांद तक चले जाएंगे उन गलियों की लंबाई जोड़ लीजिएगा। तो मुझको लगता है उस काशी को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने का, नई पहचान देने का, नए विकास के नए आयाम स्थापित करने का माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के बाद, उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार है, उसने काशी को एक नई पहचान दी। यही तो खासियत है कि वाराणसी में, काशी में वो अपने प्राचीनतम इतिहास को भी समेटे हैं। अभी भी लोग कहीं भी जाएं लेकिन सुकून उनको उस घाट में मिलता है। हम काशी को कभी, मैंने आपसे कहा कि हम मॉडर्न होने नहीं देना चाहते, हम काशी की आध्यात्मिकता को, काशी के ज्ञान को, काशी की जनता भी तो चाहती है कि उसको सांस्कृतिक धरोहरें, काशी की मौलिकता को, यहाँ की ऐतिहासिकता को, यहाँ की धार्मिकता को सहेजते हुए एक नई काशी का निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, और हम समझते हैं कि दुनिया के लिए पिछले मात्र 3.5 सालों में जब से कॉरिडोर बना है उसके बाद से करोड़ों लोगों ने काशी की यात्रा किया है, और हिंदुस्तान में धार्मिक जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है उसके लिहाज से काशी जब से अयोध्या बनी है, बाबा भगवान राम का कॉरिडोर बना है, तब से काशी, अयोध्या, प्रयागराज, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, इन सबको मिला के देश के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, बौद्ध टूरिज्म का ये पहले से सर्किट रहा है, तो इन सब के लिए काशी में जितने लोग आए हैं, काशी में आने वाले यात्रियों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं कि काशी में टूरिज्म को बढ़ावा मिला, हम टूरिज्म की बात नहीं करते, हम काशी के उसी अध्यात्म में, काशी के उसी विरासत को देखने के लिए दुनिया के लोग क्यों आते हैं काशी। शेखर जी, मैं एक सवाल आपसे, आपने बहुत खासियत बताई, आयुर्वेद को कितना बढ़ावा मिला, क्योंकि आयुष मंत्रालय आप पर है और आप सरकार में मंत्री। आयुर्वेद का भी रिश्ता काशी से बहुत है, और हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को इस देश में जब उनकी प्रथम सरकार बनी तो ये पहला मंत्रालय है आयुष का मंत्रालय। आयुष शब्द की परिभाषा है थोड़ी बड़ी है, आयुष में आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्धा है, सोहरिग्पा है, योग है, नेचुरोपैथी है। काशी का जो नाता है, मेरा जो रिश्ता है, वो मैं आपको बता दूं कि काशी, हमने कहा कि भगवान धन्वंतरी के मानवीय अवतार दिवोदास की जन्मस्थली है, उन्हीं के योग्यतम शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत। ये महर्षि सुश्रुत की जन्मस्थली है, जिनको दुनिया मॉडर्न हेल्थ भी, पूरा स्वास्थ्य भी, आज तक उनको सर्जरी का फादर कहता है, मॉडर्न सर्जरी में उनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, आज से हजारों साल पहले उन्होंने ही दुनिया में पहला सर्जरी का अस्पताल अगर कहीं खुला होगा उसका भी शहर का नाम काशी है। दूसरा महर्षि पतंजलि, हम योग की बात करते हैं, योग को मोदी जी ने सारी दुनिया में स्थापित कर दिया, योग के लिए आप आज, अब 21 जून को जब आप विश्व योग दिवस के दिन सारे संसार को, और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला यही विषय था जिसको कि योग दिवस की मान्यता, उस योग दिवस की भी का रिश्ता, योग का रिश्ता काशी से क्या है कि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग जिनकी बात आप जानते हो, उस उनकी भी कर्मस्थली काशी है, जन्म गोंडा में हुआ, कर्मस्थली उन्होंने काशी को चुना। महर्षि पाणिनि, संस्कृत की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, हम इस देश को जानते हैं कि दुनिया को, हमारे सारे भाषाओं की मातृजननी भाषा हम कहते हैं संस्कृत है, संस्कृत दुनिया की सबसे शुद्धतम भाषा है, इसको हम नहीं कहते, हमारे साहित्य नहीं कहते, दुनिया में वर्तमान में जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है वो कहता है कि दुनिया की शुद्धतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत की शुद्धता के लिए अष्टाध्यायी व्याकरण के साथ पाणिनि ने
ही संस्कृत को शुद्ध किया। पाणिनी और महर्षि पातंजलि गुरु और शिष्य हुआ करते थे, ये उनकी कर्मस्थली है काशी। मैंने आपको महर्षि सुश्रुत के बारे में बताया, हमने सिद्धा के जनक महर्षि अगस्त की जन्मस्थली आपको बताया, और हमारी एक विधा है सुवारिकपा। देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर सातों पूर्वोत्तर राज्यों तक पूरे पर्वतीय अंचलों में जो विधा प्रचलित है उसका नाम है सुवारिकपा। सुवारिकपा का काशी से क्या नाता है कि ये गौतम बुद्ध जी की उपदेश स्थली है, और सुवारिकपा का भी जन्मदाता भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो ये रिश्ता आयुर्वेद से काशी का है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने आयुष का मंत्रालय बनाया, आज आपने देखा कि कोरोना के काल में देश ने आयुष की महत्ता को, आयुर्वेद की महत्ता को, आयुष के काढ़े को सारे देश ने, जब कोरोना के काल में संसार में कोई भी दवा नहीं थी, टीका नहीं था, तो एक ही रास्ता वो दिखा लोगों को, वो चाहे गिलोय का काढ़ा हो, दालचीनी का काढ़ा हो, आयुष का काढ़ा हो, तो आयुष के प्रति लोगों का, आयुर्वेद के प्रति लोगों का, नरेंद्र मोदी जी के बाद ये जो मंत्रालय बना उसने देश में आयुष को स्थापित करने में, और मोदी जी के आने के बाद से संयुक्त राष्ट्र एक बधाई। और मैं अपने सम्मानित सभागार को बताना चाहता हूँ कि दुनिया के 176 देशों की परंपरागत दवाएं, जिनको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने जामनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में बना। तो दुनिया के देशों के परंपरागत दवाओं पे काम करने का, शोध करने का भी हिंदुस्तान में ही काम हो रहा। हमने, मोदी जी ने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी गाज़ियाबाद में बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ, वो पहले से पश्चिम बंगाल कलकत्ता में था, उसकी एक ब्रांच अभी उन्होंने दिल्ली में बनाया। उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार, चूँकि हमारे आयुष के बारे में लोगों को, समाज के लोगों के मन में है कि इसका प्रमाण क्या है। हमारे दवाओं का प्रचार शायद कोई टीवी का अभिनेता न करता हो, लेकिन दुनिया प्रमाण मांगती है। प्रमाण के तौर पर इस देश में हमारे पास संस्थान ऐसे, इंस्टीट्यूट नहीं थे, मोदी जी ने उसको भी बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसे नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। वेदों से अथर्ववेद की उपशाखा मानते हैं, वेदों की उम्र 10,000 साल से पुरानी है। वेदों की उम्र कोई नहीं जानता, ये दैवीय लोगों के द्वारा लिखे गए, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए वेद हैं, जिनमें समय समय पर अलग ऋषि मुनियों ने उसमें अपनी ऋचाएं शामिल किया। तो वेद, आयुर्वेद की कोई उम्र नहीं। मैंने इसमें एक विधा है यूनानी, यूनानी का रिश्ता इटली से है, यूनान से है, जिसकी उम्र 6,000 साल पुरानी है। महर्षि हैनीमैन, जो महर्षि कह रहा हूँ, सर हैनीमैन, जिनसे रिश्ता होम्योपैथ का है, इस विधा का जन्म आज से 270 साल पूर्व जर्मनी में हुआ। लेकिन भारत आज भी होम्योपैथ के लिए भी, भारत शायद दुनिया के सर्वाधिक डॉक्टर अगर किसी देश में रहते होंगे तो उसका नाम है भारत। दयाशंकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वैसे क्योंकि कहते हैं कि जो काशी आ जाए तो वो काशी का ही होकर रह जाता है, अगले 20 मिनट तक हम काशी पर ही उलझे हुए हैं, थोड़ा इधर लेकर चलता हूँ, सियासी सवालों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक मंत्री हैं और सियासत के आप बड़े खिलाड़ी भी रहे। उपचुनाव है नज़दीक, उपचुनाव कैसे देखते हैं? लोकसभा में बड़ा झटका पार्टी के लिए, अब उपचुनाव एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। 10 विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए प्रश्न खड़ा करना, इन प्रश्नों का जवाब आपसे 2014 के परिणाम से, 2017 के परिणाम से, 2019 के परिणाम से, 2022 के परिणाम से, इस देश में जिला परिषद के जितने चुनाव हुए उन सब में आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जिलों में, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला परिषद के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, अधिकांश ब्लॉक प्रमुख, ये जोर जबरदस्ती का चुनाव नहीं होता, ये स्वेच्छा से लोगों ने, आज ग्राम प्रधान भी हमारे होते हैं, लोगों ने, देश की जनता ने बड़े सहज मन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को केंद्र में 14 के बाद से समूचा विपक्ष तरस रहा है सत्ता पाने के लिए। जितने भी उनके उल जलूल कमेंट होते हैं, जितने भी आरोप, इस बेदाग सरकार में 10 सालों में एक ऐसा कोई विषय बता दीजिए कि सरकार में कोई के दामन में कोई दाग विपक्ष लगा पाया हो। तो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की, लोकसभा में सीटें कम आई, भारतीय जनता, मेरी बात सुन ली, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सीएम योगी हर जगह जा रहे हैं, थोड़ी सी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देश के लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के, और उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा, 38 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास का कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुना जाता है जिसने अपना कार्यकाल 7 वर्ष पूरा किया हुआ। कहने को 5 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, उम्र होती है 6 महीना, 4 बार 2 साल,
योगी जी ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर 7 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी देश के इतिहास के विपक्ष के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना लगातार तीसरी पारी उन्होंने शुरू किया है, काम नहीं किया होता, विकास नहीं किया। 400 पार तो नहीं हो पाए ना, और 400 पार का नारा यही रोका, यूपी ने ही ब्रेक लगा दी, पीडीएफ फॉर्मूला हिट हो गया, आप फेल हो गए। फेल वो होता है जिसको पास करने के लिए कोई सोचना पड़े। प्रचंड बहुमत से सरकार है, आप कैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है? जिन विपक्षी दलों का, जिन भी अपने सहयोगी दल के लोगों का साथ हमने पहले दिन से लिया आज तक, वो हमारे सहयोगी हैं, और हमने तीसरी बार सरकार बनाया है, आपको कहाँ हार दिख रही? 400 सीटों को जो आप कोट कर रहे हैं, चाहे विपक्ष कोट करता है, एक मानक बनाया अपने काम पर, अपनी उपलब्धियों को लेके सरकार ने एक चिंतन किया, इतनी सीटें, विपक्ष ने उसको भी गलत तरीके से प्रचारित किया कि 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कुछ भी नहीं बदला है, देश बदला है, न संविधान बदला न आरक्षण बदला, बल्कि हमने सारी चीज़ों में सुधार किए हैं, संविधान की बहुत सारी धाराओं में परिवर्तन किया जो जनहित में और देशहित में था। तो सर विपक्ष तो आज भी सवाल उठाता है, विपक्ष तो आज भी लोगों को कह रहा है इनकी बुलडोजर नीति क्या है, इनकी एनकाउंटर नीति क्या है, एक विशेष समुदाय, एक विशेष जाति को आप एनकाउंटर में टारगेट करते हैं, बुलडोजर एक विशेष वर्ग पर चलता है। मैंने कहा कि सत्ता के बगैर विपक्ष के लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको कभी यकीन नहीं था इस देश में विपक्ष के लोगों को नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनेगी। अब उनके सपने उनके टूट रहे हैं, उनकी उनका भरोसा टूट रहा, सत्ता पाने की जो उनकी लालसा है वो उनसे दूर होती चली जा रही है। तो विपक्ष अब प्रश्न भी ना करे, मैं समझता हूँ कि विपक्ष का काम क्या रह गया। ये तो विपक्ष की बात है, लेकिन अगर अगर इतनी मजबूती से होते तो इस बार प्रधानमंत्री जो काशी से सांसद है, इस बार उनको बहुत कम वोट मिले थे, तो इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, इस देश में वोट के पैमाने को हम, आप विपक्ष सारे लोग कोट कर रहे हैं, लेकिन कोई कारण था, उस सब पे चिंतन पार्टी कर रही है, पार्टी के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि क्यों हमारा वोट घटा, लेकिन हम उसको ठीक करेंगे। हम फिर से जिन कार्यकर्ताओं के बूते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी कार्यप्रणाली में अगर कोई दोष है, भारतीय जनता पार्टी सदैव आत्ममंथन करती है, चिंतन करती है, और 5 साल उसके कार्यकर्ता अपना काम करते हैं। हमने तो, हमसे भी अगर कहीं गलतियां हो रही होंगी, हमसे भी अगर कुछ भूलें हो रही तो उनको सुधार करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं वोट में अगर कमी आई तो हमारा काम गलत था। नाराज है, लगता है ब्राह्मण जो वोटर्स रहे, कोई नाराज नहीं, ब्राह्मण तो सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज की बात किया, सबका साथ सबका विकास जिस पार्टी का नारा हो, और सबका विश्वास, हमने सबका विश्वास न जीता होता तो ये लगातार हमारी तीसरी बार सरकार केंद्र की न होती। वोट का बढ़ना घटना ये समय के साथ, हम फिर मेरे सामने एक लक्ष्य है, हमने आपसे कहा कि इन 3 बार की सत्ता मोदी जी का, जब ये तीसरा कार्यकाल पूरा होगा तो शायद इस देश में हम बहुत सारे नए आयाम स्थापित कर चुके होंगे, देश को प्रगति, मैंने कहा आपसे कि 11वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था थी 2014 में, मोदी जी ने लाकर उसको देश की पांचवी, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। हमने अभी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, हमारी मंजिल 2047 तक तय है, हमने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए, हमने इस देश को तरक्की के राह पर ले जाने के लिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए, हमको अभी जापान को पीछे करना है, जर्मनी को पीछे करना है, चाइना को पीछे करना, भारत ने अपने सपने तय कर लिए, लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, और 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, और ये सारी चीज़ें हकीकत में आप। चलिए सर, आखिरी सवाल, क्योंकि चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर आ गए, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव 10 सीटें, कितना टारगेट लेकर चल रहे? उपचुनाव हमने किसी चुनाव को कभी भी ऐसा नहीं कि गंभीरता से न लिया हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए उसके तय कार्यकर्ता तैयार रहते, एक ऐसा संगठन है, संगठन के बूते ही लोग हमसे पीछे हैं, कार्यकर्ताओं ग्रास रूट लेवल पर जितने कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की कार्यकर्ताओं के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, संसार में किसी राजनीतिक दल के पास इतने कार्यकर्ता नहीं है, सदस्यता चल रही है, परिणाम आपके सामने आएगा, जितने सदस्य हमारे, तो ये कौन जुड़ता है, ये कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उन्हीं ज़मीनी कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज देश की सिरमौर पार्टी है, देश में चारों तरफ
कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये चलता रहेगा, ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी। मोदी जी और योगी जी के शासन सत्ता में देश के और प्रदेश के लोगों का भरोसा बढ़ा है और हमारे ही काम को, योगी जी के काम को पूरे देश के लोग मॉडल के तौर पर स्वीकार करते हैं। मोदी जी के काम को सारा विश्व, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के हेल्थ सुरक्षा की गारंटी हो, कोई देश दुनिया के लोग दूसरे अपना पेट नहीं भर पा रहे। हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं, हम अपने साथ साथ अफगानिस्तान और श्रीलंका के लोगों को का भी पेट भरने का काम करते हैं। आज यह देश अपने लोगों को अनाज दे रहा है, आवाज दे रहा, 4 करोड़ घर दे दिया, 3.5 करोड़ का लक्ष्य और निर्धारित कर दिया, देश के 51 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पूरे देश में जनधन के खाते खोल दिया, 14 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया। ये क्या है? ये गरीबों के लिए गरीबों की सरकार है, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए जितने काम इस सरकार ने किए सारी दुनिया के लोगों के लिए शोध का विषय है कि क्या कोई सरकार अपने पूरे देश के लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी ले सकती है। 31 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान का कार्ड भारत सरकार ने अब तक लोगों का बनाया है। चलिए सर, अब जनता तय कर देगी क्योंकि उपचुनाव है, ये एक बड़ा टास्क भी माना जा रहा है सरकार के लिए। उपचुनाव का परिणाम बहुत दिन दूर नहीं, घोषणा होने दीजिए, परिणाम से भी आप चमत्कृत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा पड़ा। देखिए दयाशंकर दयालु जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, अगर इनको एक टॉपिक दे दे तो आपके सारे सवाल रह जाते हैं, जैसे मेरे अब बहुत सारे सवाल रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी बात रखी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप रुकिए मंच पर, मैं रमेश सर को इनवाइट करूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। तो आपने सुना काशी के बारे में, इतिहास के बारे में, जितना अच्छा से मंत्री जी ने बताया शायद आपको और डिटेल में काशी के बारे में तो पता चला ही, साथ ही साथ ही उपचुनाव के बारे में लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो इस बार बीजेपी उपचुनाव की 10 सीटें भी जीतने वाली है, इसका दावा कर रहे हैं मंत्री जी, ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन कोशिशें हर पार्टी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए।